गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शिप्रा हेयर फ्रॉम JRM पब्लिक स्कूल. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज 9.2 फ्रॉम डेसिमल ऑपरेशन नंबर. डेसिमल ऑपरेशन नंबर के चैप्टर की हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई इन डेसिमल. डेसिमल के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो लेट्स सी. सी देखो आपको क्या करना है. ये सेम आपको एक क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई आपको नॉर्मल वे के अंदर मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट का क्या करना है. सी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और देखो अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. कैसे करोगे, 3 8 24, 2 कैरी, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, देन 1 कैरी, 3 7 21, 21 प्लस 1 22, एंड 2 कैरी, एंड 3 2 6, एंड 6 प्लस 2 8. आंसर आपका क्या आ गया, 88,214 ही आपका आ गया आंसर. अब इसमें पॉइंट कैसे पुट करना है. सी आपको कुछ नहीं करना, आप चेक करोगे वंस प्लेस पर से कितने नंबर के बाद आपके पास पॉइंट है क्वेश्चन में. 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद आपके पास पॉइंट है, तो आंसर में आप उतने ही नंबर्स के बाद अपना पॉइंट पुट कर दोगे. 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, ये आपका क्या जाएगा पॉइंट. ऑलराइट, सो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन करना है, चाहे वो 1 डिजिट मल्टीप्लाई हो चाहे वो 2 डिजिट हो. क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका, वो है आपका 2 डिजिट मल्टीप्लाई. कितने डिजिट मल्टीप्लाई है, 2 डिजिट, 89.99 मल्टीप्लाई 1.5. ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है. देखो आप पहले 2 डिजिट मल्टीप्लाई करो नॉर्मली, जैसे मल्टीप्लाई करते हो करो. अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखो, देखो कैसे करोगे. 5 9 5 9 क्या हुआ, 45, 4 कैरी, 5 9 45, 45 प्लस 4 49, देन 9 4 कैरी. नेक्स्ट नंबर के ऊपर आप कैरी इजीली ले जा सकते हो. 5 9 45 45 प्लस 4 49, देन आपकी 5 कैरी. देन हम फिर क्या करते हैं, 5 8 40 40 प्लस 5 45. ओके, फिर वंस प्लेस को होल्ड करते हैं 0 राइट कर, उसके बाद मल्टीप्लाई करो. 1 9 9 1 9 9 1 9 9 एंड 1 8 8. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. प्लस करो, 5 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी 19, 1 अगेन कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, देन 1 कैरी, 8 प्लस 4 12, एंड 12 प्लस 1 13. तो ये क्या हो गया हमारा, 13. अब हमें इसमें लगाना है पॉइंट. क्या लगाना है, पॉइंट. तो लेट्स सी पॉइंट को आप कैसे राइट करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट को आप कैसे राइट करोगे. देखो आप अपने क्वेश्चन के अंदर समझो आपको क्या करना है. आपको अपना पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगाना है, आप काउंट करो. यहाँ पर आपको इसके अंदर मल्टीप्लायर में आपको पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, और उसके ऊपर कितने डिजिट्स के बाद है, 2 के बाद, 1 2. टोटल कितने डिजिट हो गई आपकी, 3. टोटल कितने डिजिट हो गई, 3. 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद आपके पास इसमें पॉइंट है. टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 3 पॉइंट 3 हो गए. तो आंसर में आप 1 2 3 इन 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओगे, मीन्स 1 2 3 कहाँ लगाओगे, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद. ऑलराइट, समझ आ रहा है मैंने क्या कहा, कि आप काउंट करोगे कि टोटल कितने नंबर्स के बाद. 1 पॉइंट आपका यहाँ पर है, 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर है, 1 2. टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 3. तो आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे अपने आंसर में, 3 डिजिट के बाद. ओके, और आपका आंसर क्या हो गया, 134.985. क्या आंसर हो गया आपका, 134.985. तो एक क्वेश्चन और देखो इसी एक्सरसाइज का, क्या करना है हमें.
पॉइंट आपको सी याद रखो, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को कंसीडर करके चलना है कि आप पॉइंट्स को कैसे राइट करोगी। आपको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, आपको याद रखना है आपका पॉइंट है जो वो कितने डिजिट के बाद राइट होगा। ओके सो देखो एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, वो है आपका 87.592, ये आपका क्वेश्चन है। देन मल्टीप्लाई बाय 2.59, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको, जैसे मैंने अभी बताया पहले करो, 9 2 18, 1 कैरी, 9 9 81, 81 + 1 82, 9 5 45, 45 + 8 कितना होता है 53, 9 7 63, 63 + 5 68, 9 8 72, 72 + 6 78, ठीक है। अब देन होल्ड वंस प्लेस, 5 2 10, 5 9 45, 1 46, 4, 5 5 25, 4 29, then 2 carry, 5 7 35, 2 37, 3 5 8 40, 40 + 3 43, then again 2 0, फिर 2 2 4, 2 9 18, 2 5 10, 1 11, 2 7 14, 14 + 1 15, 2 8 16, 16 + 1 17। अब हम क्या करेंगे इन तीनों नंबर, अब देखो ये तो आपको सारा आता है, उसके बाद इन्हें क्या करना है, प्लस करना है, सिंपली प्लस कर दो, 8 2 6 + 4 10, 10 + 3 13, 1 carry, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 8 16, then 2 carry, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 1 16, then 1 carry, 7 + 1 8, 8 + 4 12, then 1 + 1 2। अब हमें लगाना है, ये हमारा आंसर आ गया, अब हमें लगाना है हमारा पॉइंट। तो पॉइंट कैसे लगाओगे, मैंने क्या बताया, टोटल काउंट कर लो कितने नंबर्स के बाद पॉइंट पे, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है 1 2, देन ऊपर चलो 3 4 5, कितने नंबर्स पर पॉइंट है हमारे पास, कितने डिजिट है पॉइंट के लिए, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, तो आंसर में कितने डिजिट के बाद आएगा 5, 1 2, कौन है 1 2 3 4 5, ये था हमारा क्वेश्चन। ओके तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अपने नोटबुक के अंदर करना है। ऑलराइट, बाय बाय। राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 10 100 1000 को मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कॉलम के अंदर। ये आपने सीखी हुई भी है फोर्थ में कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉलम के अंदर जीरो वाली डिजिट से। तो देखो 69.21 मल्टीप्लाई 10, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, चेक करो कितनी जीरो है क्वेश्चन के अंदर, वन प्लेस पर से 1 0 है, इसको एज इट इज राइट कर दो, फिर जो भी नंबर रह जाता है क्या रह गया 1 1, को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, इटसेल्फ आ गया। अब मेन पॉइंट है हमारा कि हम इस पॉइंट को कैसे लगाएं, देखो कैसे लगाना है, चेक करो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद, तो लगाओ 2 डिजिट्स के बाद 1 2 1 2, लग गया 692.10। अब हमारा होता है मेन पॉइंट स्टार्ट, जो आपको बताना है, याद रखना पॉइंट के बाद अगर लास्ट से इस तरफ से राइट साइड से चेक करो, जितनी भी जीरो होगी वो हमेशा कट हो जाती है, क्या हो जाती है कट, वो राइट नहीं करोगे आप, उसको आंसर को ऐसे राइट करोगे 69.1, ठीक है। अगर सेंटर में कोई जीरो होती सी, देखो इस तरह से, तो कट नहीं होती, तो ये जीरो कट नहीं होती,
लेकिन अगर सबसे लास्ट में जितनी भी जीरो होती है ये कट नहीं होगी, इसको आप ऐसे लिखोगे। बट अगर लास्ट में जीरो होती है आपके पास, जैसे कि आपके पास अभी थी लास्ट में, तो पॉइंट के बाद वो जीरो कट हो जाएगी। ओके, ये आपको माइंड में रख के रहना है अपने। लास्ट में अगर जीरो है तो वो कट हो जाएगी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है आपका 9.1 मल्टीप्लाई 10,000, कितनी जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो एज इट इज राइट कर दो। 1 को 91 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 91। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद मैंने क्या कहा है, अगर जीरो है जितनी भी लास्ट में वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, ये कर दो कट। आंसर क्या आ गया आपका, 91,000। ओके, सो नाउ योर टुडेज होमवर्क इज सोल्व एक्सरसाइज 9.2। आपका आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 9.2 को आपको सोल्व करना है। ऑलराइट, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।